सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूरनमल पोरवाल। पूरनमल जी, आप कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। आपकी भी उम्र कितनी है पूरनमल जी? मेरी 66 साल। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बेगू का रहने वाला हूँ। ठीक बात है। आप क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, और पहले क्या करते थे? पहले ऑटो चलाता था। ठीक बात है। अभी क्या शिकायत करना चाहते हैं आप पूरनमल जी? मेरा ICICI वालों ने बीमा कर दिया है ओके बिना पूरी जानकारी दिए, गलत ओके। जानकारी दे दे के मेरे को बीमा कर दिया मेरा दो ये कौन लाख सी रुपए ब्रांच की का, बात हो रही है? ये उदयपुर। ठीक बात है। अभी आप जब गए थे वहां पे, तो आप क्या करवाना चाह रहे थे वहां पे? मैं तो FD करवाने गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया आपको? तो उन्होंने कहा कि आपको इससे अच्छी स्कीम है हमारे पास, अभी हमारे बैंक ने निकाली है, ICICI की है, और आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ठीक बात है इसमें करीब 30-40% आपको मुनाफा मिलेगा लास्ट में, ठीक बात है ठीक बात है। और आपको केवल पैसा 5 साल तक ही जमा कराना है। अच्छा, हाँ, लेकिन 5 साल जमा अगर नहीं करा। मैंने हाँ, कहा भाई मैं पैसा नहीं जमा करा पाया, बाई द वे आप 5 साल जमा नहीं नहीं कराना कर चाहते थे? पाया। ओके। हाँ, तो उन्होंने बताया कि साहब आपने जो भी पैसा जमा कराया वो कहीं नहीं जाएगा, हाँ आपको पैसा 1-2 साल में जितना भी आपने जमा कराया है हाँ वो आपको वापस मिल जाएगा, अच्छा, कब वापस मिलेगा वो? वो 2-3 साल में आपका वापस मिल जाएगा, 3 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा, ठीक तीन है। साल तो रहेगा। और ये बार बार क्या, मतलब आपसे जब बात करें तो FD आपको एफडी के बारे में कुछ, एफडी से कुछ, एफडी का नाम ले रहे थे, क्या कर रहे थे? बार बार बता रहे थे कि FD से ज्यादा प्रॉफिट इसमें मिलेगा आपको। ओके, FD में तो आजकल क्या 6-7% मिलता मिलता है। है, हाँ, इसमें कितना इसमें मिलेगा? इसको आपको 30% 40% तक भी मिल सकता है। अच्छा, ओके हाँ, ओके। तो क्योंकि आपके पास में जब आपने कराया होगा निवेश, तो उसके बाद में आपके पास में ये निवेश की डायरी आई होगी आपके पास घर पे आपके? नहीं, वो हमारे पास 3-4 महीने बाद आई, कैसे आई थी आपके पास में? डाक से आई थी या कैसे आई वो थी? बैंक वाला लेके आया था, बैंक वाला एक लड़का लेके आया था, और वो भी घर पे देख के चला गया। मैं इसके लिए उनके पास 2-3 बार गया, तब जाके वो लेके आए हैं। उस समय भी उन्होंने मतलब उसमें भी आनाकानी करते रहे, मतलब हाँ आ रही है, हाँ आ रही है, क्यों महीने 2 महीने तो वैसे ही निकाल दिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि साहब आपको 10-15 दिन में 20 दिन में आ जाएगी आपके घर पे, ठीक बात है, तो लेकिन आई नहीं। आई नहीं। ठीक है, तो फिर मैं बैंक में गया, मैंने कहा भाई वो क्या हुआ, मेरा वो डायरी का। निवेश किया था, डायरी आनी चाहिए थी, बॉन्ड आना था, वो नहीं आया। हाँ, तो इन्होंने बताया कि साहब आ जाएगा, अच्छा, 2 महीने निकल गए। फिर मैं वापस गया 2-4 बार, मतलब मेरा इसके लिए जा चक्कर लगाना पड़े, ठीक बात है। तब इन्होंने कहा कि साहब हाँ आ रहा है, हाँ 2-4 दिन में आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा। फिर एक दिन इनका बंदा कोई आया और वो घर पे घर वाली को देके चला गया। अच्छा ठीक है। डाक से हाँ, नहीं आया डाक कोई, से नहीं कोई आया, बैंक से कोई बंदा आया? बैंक से बंदा आया। ठीक बात है। फिर आपने पढ़ा अपने इसको किताब को? मैं तो पूरा जानकारी तो नहीं ले पाया, लेकिन हाँ मैं जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैंने इसमें देखा, हाँ तो मेरा इसमें बहुत पैसा कटता हुआ दिखा। मैंने कहा यार इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा कट गया है, हाँ 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 तो मैं बैंक में वापस गया हाँ और बैंक से वापस मैनेजर साहब से बात की। मैंने कहा भाई आपने तो कहा था कि आपका पैसा केवल 8,000 रुपया कटेगा इसमें से, हाँ और इसमें तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, 30,000 रुपये करीब दिख रहा है। हाँ वो तो साहब नहीं, आपका नहीं कटेगा इसमें, हाँ ये तो ये इनके अलग हिसाब है, आपको तो आपका पैसा केवल 8,000 रुपये ही कटेगा, ठीक बात है। 1,92,000 रुपया आपका इन्वेस्ट होगा, अच्छा निवेश होगा, ठीक बात है, और ये आपका आपकी इसमें आ जाएगा, समझ गया मैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक आप तो है, मेरे ऊपर भरोसा करिए। ठीक बात है। फिर आपने तो क्या किया? मैंने कहा ठीक है, जब हाँ आ जाएगा तो निर्णय है। ठीक है, थोड़े दिन और निकल गए, हाँ फिर बात की, मैंने कहा यार देखे जांच तो करो। हाँ तो मैं उसको लेके वहां BN कॉलेज के सामने जो इनका हेड ऑफिस है हाँ हाँ उसका पता लगा कि वहां प्रिवेंस करो, उसका ऑफिस यहाँ पे है, हाँ तो मैं वहां गया हाँ और वहां जाके मैंने पूछा, हाँ मैंने कहा भाई मेरा देखे स्टेटमेंट दो, मेरे को बताओ मेरा बैलेंस कितना है, हाँ ठीक मेरा बात है। पैसा कहाँ लगाया। हाँ तो उन्होंने पहले तो बताया कि साहब कब लगाया आपने, मैंने कहा भाई अगस्त में लगाया, सितंबर अगस्त में लगाया, हाँ तो कहा अभी तो आपको अभी आएगा नहीं कि कम से कम साल भर पहले इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अच्छा, ऐसा साफ बोला उन्होंने? हाँ, ठीक बात है। फिर मैं निकल गया थोड़े दिन, फिर मैंने वापस किसी ने मेरे से कहा नहीं, स्टेटमेंट तो आते हैं, हाँ तो मैं वापस गया, हाँ फिर जाके पूछा, तो उन्होंने उस दिन बता दिया आज सर्वर डाउन है। हाँ फिर एक बार और गया तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है हम शाम को आपके घर पे आएंगे, हमारा हाँ ये बंदा आएगा हाँ और ये आपको और भी उसमें बताएगा, हाँ और बहुत अच्छी स्कीम है इसमें, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा ठीक बात और है इसको बराबर आप चलाते रहो। ठीक बात है ठीक बात क्या है।
कहा भाई इतना कैसे चलाएंगे, बराबर किस हिसाब से चलाएं, हम तो सोच में पड़ गए। मैंने कहा यार बहुत ज्यादा हो गया है हाँ तो ये। इन्होंने बताई कितनी आपकी कितनी वैल्यू कितनी वगैरह कुछ बताई आपको, बड़ा हाँ बताई ना मेरे कितना को, बताई वैल्यू? बोला इन्होंने 1,54,000 बताया अच्छा, तो आपने पूछा कितने ये पैसे क्यों कट लास्ट। गए? मैंने कहा भाई इतना पैसा कैसे, मैंने कहा 2 लाख लगाया मैंने। हाँ मैंने कहा मेरे को स्टेटमेंट दो इसका, किस किस में लगाया, कितना पैसा कहाँ लग रहा तो है, वो नहीं दे पाए। वो ये नहीं दे पाए। उसके लिए इन्होंने बोला कि साहब शाम को लेके आएगा बंदा आपके घर पे, रहो आपको सब समझा देगा। ओके लेकिन आज तक वो कोई बंदा आया नहीं और मेरे को किसी ने बताया नहीं। ठीक बात है। आपने तो कंपनी को लिखित शिकायत दी है इस बारे में कुछ भी या लिखित में तो कंपनी को नहीं दिया है, ओके लेकिन ये इसके बारे में बस इधर से बातें करते रहे, वहां पूछते रहे, बार बार उनके ऑफिस पे जाते रहे। हाँ नहीं तो जिसने करी थी बैंक में, जिस मतलब अधिकारी ने करी लेखा थी, जिस अधिकारी ने करी थी, वो भी अधिकारी है वहां पर नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है? अभी ओके नहीं है। ठीक बात है। और आपने जैसे मुझे वो बताया पूछा अभी, मैंने वहां पे, हाँ मैंने कहा भाई वो कहाँ गए, तो साहब वो तो ट्रांसफर ट्रांसफर, हो गए यहाँ से, ठीक बात है। अभी यहाँ नहीं है। ओके नहीं अभी मैं इसमें एक चीज़ ही पूछना चाह रहा हूँ, आपने जैसे मुझे बताया कि प्रातः में अभी कि आपको बीपी है, हाई बीपी है आपको, हाँ तो आपने ये बात अपने अधिकारी को बताई थी आपने, हाँ बताई थी ना, तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था अगर ठीक है बीपी है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है आजकल होती है, आपका कोई मेडिकल नहीं होगा, आपको अच्छा तो कोई कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा भाई अगर मेडिकल नहीं होगा तो मेरे को क्लेम कैसे मिलेगा, हाँ बाय द वे अगर कुछ हो गया तो मेरे को कैसे मिलेगा। तो हाँ उन्होंने कहा नहीं, आपको सब मिल जाएगा, आप तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, अच्छा ये उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि साहब मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। कितना बताया था उन्होंने कि क्लेम कितना कितना बनेगा अगर मैंने क्लेम तो आपका मतलब 14 लाख रुपया, आपको अगर ये कुछ हुआ? साल 2 साल में भी अगर कुछ हो गया हाँ तो आपको 14 लाख रुपया मिलेगा ही, ठीक बात है, ठीक बात है। और बाकी आपको जो पैसा है वो तो बाद में, जो जमा हुआ है वो तो बाद में और मिलेगा आपको, अच्छा ऐसा, ऐसा बताया। ठीक बात है। तो उन्होंने आपको मतलब हाई बीपी है उसके लिए आपको कोई मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराया आपने, नहीं मेडिकल नहीं आप कराया। दवाई लेते हो हाई बीपी की? हाँ लेता हूँ। और इसमें सारे हस्ताक्षर जो मैं देख रहा हूँ, ये सारे हस्ताक्षर आप ही के हैं? सारे मेरे को भी नहीं लग रहे हैं कि मेरे ही हैं। कुछ एक आपको डाउट है? हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक बात है, ठीक बात है, मैं ठीक बात है। अभी आप क्या चाहते हो कंपनी से? चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा इन्होंने मेरे को गुमराह करके जो पैसा लगवाया है, मेरा पैसा मेरे को आज तक का इंटरेस्ट करके वापस दिया जाए, ठीक यही बात है, चाहता हूँ।